नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आप सब आपके अपने चैनल स्टडी मैवे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने आरपीएससी एएन 2018 से रिगार्डिंग ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आप सभी दोस्तों के लिए स्टार्ट कर रखी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने आरपीएससी एएन 2018 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उससे रिगार्डिंग हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सभी दोस्तों के लिए अवेलेबल करवाए थे, जिसमें आपके सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ थे, करंट अफेयर्स के वीडियोज़ थे, जनरल स्टडीज़ के वीडियोज़ थे, जो कि आपके प्री के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे थे। इसी बिहाफ पे हमने आरपीएससी एएन 2018 की जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपके जल्द ही वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले जब भी अपन किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहला जो अपना स्टेप होता है वो यही होता है कि सबसे पहले एक बार अपन सिलेबस का एनालिसिस करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी अकॉर्डिंग अगर अपन अपनी स्टडी को सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो अपनी जो स्टडी होती है वो मोस्ट इफिशियंट होती है, मोस्ट बेनिफिशियल होती है एंड मोस्ट इकोनॉमिकल होती है। और एक इंजीनियर के बिहाफ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है वो अपनी यही होती है इंजीनियर की, कि किसी भी चीज़ को लिमिटेड टाइम में इफिशियंटली इकोनॉमिकली कंसिडर करते हुए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे। सबसे सिविल इंजीनियर का यही होता है सबसे बड़ा चीज़। तो उसी बिहाफ पे अपन ने सबसे पहले क्या एक वीडियो बनाया है, मैं इससे अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो वो मैं आपकी, जैसे मेरे कई कमेंट्स आ रहे थे सर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का वीडियोस बना दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेक्चर से जल्दी स्टार्ट करिए, तो मैं जल्दी विद इन अ थ्री टू फोर डेज़ के अंदर मैं आपकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा। इससे पहले जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है अपने पास में डिटेल सिलेबस। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास में डिटेल सिलेबस। एक बार सिलेबस का एनालिसिस हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं मान सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे। आपके डाउट्स होंगे वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, मैं आपका जितना का आंसर दे सकूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूँगा आंसर देने की और मैं सबका आंसर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए चला जाऊँगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बच पाए। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अपना जो है वो है कि अपन अपने सिलेबस को एक बार डिटेल में एनालाइज करें कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके तीन पोर्शंस हैं, एक तो है हिंदी, दूसरा है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, थर्ड है इंजीनियरिंग यानी आपके ट्रेड, यानी आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, तीन ट्रेड में, या फिर एग्रीकल्चर से हो, चार ट्रेड है। तो चार ट्रेड में से जिसमें भी ट्रेड में आप हो उसके आपके क्वेश्चंस आएंगे, एक आपके आएंगे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग के, एक आएंगे आपके हिंदी के। तो तीनों को आपको इक्वल प्रायोरिटी दे करके ही पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो और आप सोशल एस्पेक्ट्स में कमज़ोर हो, या फिर आप कहीं हिंदी में कमज़ोर हो, तो वो आपको सेलेक्शन से दूर ले जा सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस जो जो मेरे को पता चला, तो वो ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर तो आउट ऑफ 400 300 मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 300 मार्क्स से के आसपास थे, लेकिन उनके सोशल एस्पेक्ट्स में जो 35% का आपका क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल नहीं कर पाए थे, मतलब 35% मार्क्स नहीं ला पाए थे, जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक गया था फ्रेंड्स, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। इसीलिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक बार वो सिलेबस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने अगर सिलेबस को पढ़ लिया तो आपकी जो 10% जो स्टडी है वो तो वहीं हो गई। आपने अगर एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से दिमाग में बैठा लिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपकी 10% तो आपकी तैयारी वहीं कंप्लीट हो चुकी है, बची आपकी 90% तो वो उसमें आपको एफर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन उसी 10% तैयारी के बिहाफ पे ये वाला वीडियो बना के लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए, कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, मैं सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे आपके साथ साथ में सिलेबस भी आपके साथ साथ में चलता रहेगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं सिलेबस से आउट जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है आपके लिए जो कि आपने 5 से 8 साल पहले पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, ये आपने आज से 5 से 8 साल या 10 साल, जो ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने 10 साल पहले हिंदी उठाई थी। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने नाम लिखने में भी एक बार तो डाउट होता होगा कि मैंने अपना सही नाम लिखा है कि नहीं लिखा है।
ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको दिक्कत होती होगी हिंदी पढ़ने में, हिंदी लिखने में, हिंदी बोलने में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि 35% मार्क्स सभी हर एक पेपर में आपको स्कोर करना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हिंदी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो जो टोटल मार्क्स होगा वो हिंदी का आएगा 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि आपके 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। ओके, पोर्शन ए यानी अनुभाग ए यानी पार्ट ए, यह आपका आएगा 30 मार्क्स का। उसके अंदर आपकी पूरी हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर आएगी 30 मार्क्स की। नेक्स्ट आता है अनुभाग ब यानी कि पार्ट बी, उसके अंदर आपके 50 मार्क्स आएंगे। 50 मार्क्स के आपके पास में पत्र लेखन वगैरह आएंगे, जो कि मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक नेक्स्ट आता है पार्ट स यानी कि अनुभाग स, उसमें आपके 20 मार्क्स का निबंध लेखन आएगा, जो कि इसके अंदर आपके क्या होगा, निबंध के अंदर हर एक स्पेलिंग मिस्टेक की, हर एक 4 स्पेलिंग मिस्टेक में आपके 1 नंबर कट हो जाएंगे, 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। अगर आपने 500 वर्ड्स का एक निबंध लिखना है, अगर आपने उसमें से 500 यानी कि 4 वर्ड में आपकी 1 मार्क्स गए, यानी कि अगर आपने देख लीजिए 80 वर्ड, यानी कि 80 वर्ड, 4 × 4 × 2 कितने हो गए, यानी अगर आपने 80 वर्ड्स, 500 वर्ड्स में से अगर आपने 80 वर्ड अगर आपने मिस्टेक कर दी, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, अगर आपने 80 वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे उस निबंध के अंदर। तो निबंध सबसे पहले हिंदी लिखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं अनुभाग है। इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि अपन डिटेल में सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो हल्का सा लंबा होना बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको हिंदी, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में कवर अप नहीं कर सकते, उसको आपको साथ साथ चलाना होता है। अब मेरे पास में कई स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर हम कोचिंग कर लें क्या, हमारे 150 से मार्क्स ऊपर हैं। तो मैं ये नहीं कहता सर आप कोचिंग करिए या ना मत करिए, आपकी अपनी फीलिंग होती है, आपके अंदर की फीलिंग होती है, आपको क्या लगता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मैं कोचिंग से ही बढ़ सकता हूँ, ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं। और कई स्टूडेंट होते हैं ऐसे भी होते हैं जो कि बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि प्री में बहुत सारी कोचिंगों ने अपना धंधा खोल रखा था, सब ने बहुत सारे एडमिशन कर लिए। ओके, उसके बाद में हुआ क्या, टेक्निकल तो सबको आता था, वो तो वैसे भी पढ़ने सब पढ़े लिखे अच्छे अपने पढ़े लिखे थे, सब ने अपना अपना स्कोर कर लिया बिना किसी कोचिंग के भी। और नॉन टेक पोर्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो नॉन टेक पोर्शन में सभी कोचिंग वालों ने बायस्ड कर दिया था स्टूडेंट को, अपने नोट्स प्रिपेयर करवा दिए। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैंने जो नोट्स पढ़ाए, जो हमारे को कोचिंग में नोट्स पढ़ाए गए हैं, यही आएंगे, इसी में से आएंगे, यही सिलेबस है हमारा, तो हम तो यही पढ़ के जाएंगे। तो अब हुआ क्या कि जो GK आई आपकी वो आउट ऑफ सिलेबस आ गई, यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने आपको कोचिंगों में नहीं पढ़ाई गई थी और आपने पढ़ी भी नहीं, और जिन्होंने कोचिंग नहीं करा था वो अच्छा स्कोर कर गए, वो मोर देन 70 to 100 150 मार्क्स तक भी स्कोर करके गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग नहीं करी थी। और जिन्होंने कोचिंग करी थी ना, उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ है, 50 से 60 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है जिन्होंने कोचिंग कर करके गए थे। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि कोचिंग करना ही एकमात्र आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, चाहे आपके 200 से ऊपर मार्क्स आए हो तो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, चाहे आपके 150 से मार्क्स से ऊपर आए हो तो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना दिए अपने इस वीडियो अपने इस चैनल पर, आप जाके उनको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को बता दीजिएगा। मैं सबसे पहले अभी यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर हिंदी पढ़ने चाह रहे हो तो हिंदी में आपके सबसे बेस्ट कोचिंग नहीं रहती, आप या तो 10 से लेकर 12 तक कोई टीचर हो लोकल, उसको प्रिफर करिए, जो कि आपको 1 महीने से 2 महीने रेगुलर 102 घंटा पढ़ा सके। या फिर आपके पास में एक ऑप्शन और है, या फिर आप यूट्यूब पे चले जाइए। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे अगर आप चले जाते हो तो यूट्यूब में आप जैसे संधि डालोगे ना, संधि इन हिंदी, ओके, ये ऐसे इस टाइप में कुछ भी डालोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें से आप एक बार देख लोगे ना 2-4 वीडियोस को, तो आपके पास में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 2 मार्क्स आपके संधि के एकदम सही हो जाएंगे, समास के 2 मार्क्स का आपका समास आएगा, 2 मार्क्स का आपका उपसर्ग आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, 2 मार्क्स के आपके प्रत्यय आएंगे, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, या पर्यायवाची यानी कि समानार्थिक शब्द, यानी कि आकाश का गगन होता है ये समानार्थिक शब्द होते हैं, और विलोम शब्द वह होते हैं जो जिस अपोजिट शब्द को अपन विलोम शब्द होते हैं, 2 मार्क्स के ये आएंगे। युग्मों का अर्थ भेद करना 2 मार्क्स का आएगा, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द भी 2 मार्क्स का आएगा आपका, शब्द शुद्धि
यानी कि आपकी जो स्पेलिंग अनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई होगी हिंदी में उसको आपको करेक्ट करके लिखना होगा, बहुत टिपिकल होता है ये सब, वो 2 मार्क्स का आएगा आपका। वाक्य शुद्धि 2 मार्क्स की आएगी, मुहावरे 4 मार्क्स के आएंगे, लोकोक्तियाँ 4 मार्क्स की आएगी, और पारिभाषिक शब्दावली आपकी 4 मार्क्स की आएगी। इस तरीके से आपके टोटल 30 मार्क्स का आपकी व्याकरण आएगी। हिंदी व्याकरण आपकी कितनी मार्क्स की आएगी फ्रेंड्स? 30 मार्क्स की, जो कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में करनी होगी और सबसे कम मार्क्स भी इसी के ही हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जो आप ना तो 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो ना 2 महीने में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आती है। नेक्स्ट आता है आपका सबसे ईजीएस्ट पोर्शन और सबसे स्कोरिंग पोर्शन, वो है पार्ट बी, जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा फ्रेंड? वो आएगा आपके 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा आपके पार्ट बी? वो आएगा 50 मार्क्स का। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 50 मार्क्स का है, जिसमें से आपके पास में संक्षिप्तीकरण, यानी कि आपको कोई गद्य दे रखा होगा, कोई पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको आपको उसकी समरी लिखनी होगी। कितने मार्क्स की आएगी समरी? 10 मार्क्स की। अब आपको कोई 2 पंक्तियाँ दे रखी होगी, उसको आपको भाव विस्तार से लिखना है, यानी उसकी डिटेल में लिखना है, वो आपका आएगी 10 मार्क्स की। पत्र लेखन आएगा आपका 10 मार्क्स का। प्रारूप लेखन, या फिर अपन बोल सकते हैं विज्ञप्ति, जिसे अपन बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट जो आता है ना आपके अखबार में, वो बनाना आएगा आपके 10 मार्क्स का। और दिए हुए अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद, यानी आपको कोई इंग्लिश में सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ दे रखा होगा उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके और उसको लिखना होगा, वो भी आपका आएगा 10 मार्क्स का। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये तो अगर आपको हिंदी अच्छे से लिखनी आती है ना, तो इसमें से 50 में से आप इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 40 ना कह सके तो आराम से 30 मार्क्स तो इजीली स्कोर यहाँ से आप कर सकते हो थोड़ी बहुत मेहनत से। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अनुभाग स, जो कि आपका आएगा सी, यानी पार्ट सी आएगी आपके 20 मार्क्स। यानी क्या आएगा इसमें? आपका निबंध लेखन आएगा। जैसे कि मैंने बताया, हर एक 4 स्पेलिंग मिस्टेक पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए जैसे आपने 80 500 वर्ड्स में लिखना है, अगर आपने 80 स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी तो आपके टोटल 20 मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे और 0 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हिंदी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है हिंदी में, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी सबको लिखनी आती है, सबको बोलनी आती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने RPSC मेंस का जो सब्जेक्ट बनता है वो है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, जिस पे बहुत सारी लोगों में गलत गलत फहमियाँ पल रखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस पल रखे हैं, बहुत सारी क्वेरीज हो रखी है। अलग अलग कोचिंग सेंटरों ने अलग अलग दावे कर रखे हैं कि वो इस तरीके से सोशल एस्पेक्ट पढ़ाएंगे, आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन सबके दावे फेल हो जाएंगे। मेरा ये मानना है, जब आप कोचिंग में जाओगे, किसी कोचिंग में एडमिशन लेकर के, तो ये मेरा पर्सनली मानना है कि सभी कोचिंगों के दावे फेल हो जाएंगे, और एग्ज़ाम आएंगे ना तो एग्ज़ाम में तो 100% सभी कोचिंगों के दावे फेल होने वाले हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट जो होता है, मेरा ये मानना है कि आप क्या करिए, जैसे कि इसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको 8th 9th और 10th की बुक में मिलेंगे, जो कि सोशल एस्पेक्ट्स SST जिसे अपन कहते थे, ओके, सोशल स्टडीज़ जिसे अपन कहते थे, उसके अंदर आपको कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो जो कि डिटेल में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाकर के उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आप ना तो रट सकते हो ना याद कर सकते हो। आपका यही है कि आपको एक तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप आपके जो मन में है वो आप अच्छे से व्यक्त कर सको, यानी आप लिख सको अच्छे से। तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसमें उसके इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आउट ऑफ 100 आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरे को 70+ मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, 70+ मार्क्स का अगर आपका टारगेट रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ जो कि आपको 8th 9th की बुक में मिल जाएंगे, तो वो है रूरल इकोनॉमी, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एक्सटर्स ऑफ अर्बन एरिया, लैंड एक्वाइजेशन एक्ट, ये सारे आपको 8th से 9th क्लास की बुक्स के अंदर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये तो मैंने एक बताया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको 8th 9th 10th की क्लास की बुक्स में मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको यहाँ से बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, उसको आप नेट से सर्च मारिए। और अभी मैं कुछ ही दिनों में सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग के अपने सेल्फ नोट्स, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपके लिए जल्द ही अवेलेबल करवाता रहूँगा। जैसे जैसे मैं कवर अप करता जाऊंगा, आप साथ साथ में सारे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग के नोट्स कवर अप करते चले जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट में अपन देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्राइटेरिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनर्जी कंजप्शन। ये हर एक टॉपिक अपने आप में एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसको आपको करना क्या होगा,
नेट पे सर्च करिए, उसमें से जो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप एक अपनी नोट्स बनाते हुए चलिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, मैं भी यही करूँगा और किसी कोई भी कोचिंग वाला होगा ना वो भी यही करेगा। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग वाला ऊपर से ज्ञान लेकर के पैदा हुआ है, ओके, जो पढ़ाने आएगा ना वो भी यही काम करेगा क्या आपका, जो उल्टा वो तो आपको बायस्ड करके चला जाएगा, और जितना पढ़ा के जाएगा आप उतना ही पढ़ के एग्ज़ाम में देने बैठ जाओगे। अगर आप खुद से लिखोगे तो आपकी मर्जी से लिखोगे, आपने जो पढ़ा था वो लिखोगे, आप 2 लाइन उससे ज़्यादा लिख सकते हो जो कोचिंग करके आया है, ओके, मेरा ये मानना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूरल इकोनॉमी पुअर्टी, ये बहुत, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा 8th 9th की क्लास की में। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड रिलेटेड इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्वालिटी एश्योरिंग, ये हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा, देखो लैंड एक्वाइजेशन एक्ट अभी बहुत ज़्यादा अभी चर्चाओं में रहा था, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ओके, ये लैंड एक्वाइजेशन एक्ट जो आपका है इससे, ओके, प्रॉपर्टी राइट्स से, क्वालिटी एश्योरेंस, ISO सर्टिफिकेट्स, ओके, 5S थ्योरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंसिंग मेथड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे BOT बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में PPP यानी कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, ये बहुत ज़्यादा भी चल रहे हैं हाल फिलहाल, जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो PPP और BOT पे चल रहे हैं। केस स्टडी ऑफ रिसेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, आपके राजस्थान में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हाल फिलहाल चल रहे हैं POP और BOT मॉडल पे, आपके जैसे मेट्रो रेल हो गया, ये देखिए मेट्रो रेल के बारे में आपका कोई प्रोजेक्ट है, या फिर IIIT जो हाल फिलहाल IIIT कोटा बनाई गई है, अभी कहाँ पर वर्क कर रही है, अभी MNIT के अंदर वर्क कर रही है, MNIT में हाल फिलहाल 3 इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं, एक तो MNIT खुद वर्क कर रही है, एक तो IIIT वर्क कर रही है कोटा, IIIT कोटा, और अभी हाल फिलहाल जो हमीरपुर NIT हमीरपुर है, MNIT शायद कौन सी एक और NIT है जिसको शिफ्ट किया गया है MNIT में, और एक NHAI वर्क हो गया, इसमें कौन कौन से वर्क्स हो रहे हैं, ये आपके जनरल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ये आप बिना कोचिंग कर नहीं सकते, हर चीज़ इसमें ऐसी है जो आप बिना कोचिंग भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया आपके हो गया, ऐसा है कि जो भी कोचिंग में जो आपके जो टीचर आएगा वो, जैसे मेडिजिम अगर आप जाते हैं, मैं यहाँ पर मेडिजिम का प्रचार नहीं कर रहा है ना, ना ही मैं किसी और कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप मेडिजिम अगर जाते हैं तो वहाँ पर होगा क्या, अच्छी है मेडिजी मेरे हिसाब से, ऑल ओवर द राजस्थान अगर आपको कोई कोचिंग प्रीफर मैं करता हूँ तो आप, अगर आप ऐसा आपने माइंड एकदम बना रखा है कि मैं कोचिंग तो जाऊंगा ही, मेरा बिना कोचिंग कुछ नहीं हो सकता, तो मैं प्रीफर करूंगा क्योंकि मेडिजी, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो आपकी फैकल्टीज आएगी ना वो आपको हर एक टॉपिक्स के, आई होप, मैं ऐसा समझता हूँ मेरे हिसाब से, अगर एक ही फैकल्टी आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा के जा रही है तो आप कभी कोचिंग मत करिएगा, क्योंकि एक फैकल्टी आपको सारे टॉपिक में माहिर नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है, ओके, और जो मेडिज या फिर कोई भी कोचिंग जो बुलाती है वो फैकल्टीज़ वो किसके बिहाफ पे बुलाती है, वो या तो IAS की तैयारी कर रहे होंगे या करवाते होंगे, या फिर आपको IES की तैयारी करवाते होंगे, तो वो उसी हिसाब से, उसी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा के चले जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आपको RPSC AEN में जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, वो सिंपल सा IES के सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा के और चले जाएंगे। इससे बेस्ट रहेगा कि आप खुद से सिलेबस से डिटेल में ले लीजिए एक बार, और एक बार वन बाय वन एक एक टॉपिक, जैसे आज एक कोई सा भी एक टॉपिक आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद में उसको डिटेल में पढ़िए, उसके बाद में आप नेट के सोर्स से आप उसमें से जो उसके बारे में है वो कलेक्ट करिए, कोई बुक्स है उससे रिगार्डिंग तो उससे कलेक्ट करिए, ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रूरल एनर्जी नीड्स, डिफॉरेस्टेशन, मॉडर्न सोलर अप्लायंसेस, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हो गया, PMGSY रोड हो गया, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड ट्रांसफर हो गया, ह्यूमन रिलेशंस एंड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लॉज हो गए आपके, जैसे मनरेगा नरेगा ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये अपना सिविल का आ जाता है पूरा, जो कि आपने CPM पार्ट में पढ़ रखा होगा, ओके, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, अपने इन्वायरमेंट में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो, उन्होंने ये दो टॉपिक तो अच्छे से कर रखे होंगे जहाँ तक मेरा मानना है जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है 6 जनवरी को IAS का पेपर भी है, तो जो अभी IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारे टॉपिक्स। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू पॉल्यूशन, एक्सप्लोजन एंड कंटिन्यूसली राइज इन स्टैंडर्ड्स, डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो मेरा तो ये मानना है कि आप फिर कोचिंग कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं वन बाय वन टॉपिक, एक बार आप स्टार्ट करिए,
हाल फिलहाल आपके पास में काफ़ी सारा टाइम है, कोचिंग कौन सी करनी है नहीं करनी है आपके पास में डिसाइड करने के लिए हाल फिलहाल 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, अभी 2 4 दिन आप रेस्ट करिए, उसके बाद में अच्छे से एक कोई सा भी आज या कल एक टॉपिक लीजिए, 2 3 दिन रेस्ट करने के बाद में आप थक गए होंगे प्री का एग्ज़ाम दे करके हो सकता है, या फिर आप अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार IAS की तैयारी करके, अगर आप जब भी इस टॉपिक को उठाएंगे तो कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उसके बाद में आप उस पर डिटेल में डिस्कस करिए, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपको फिर कोचिंग जाने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। ओके, उसके बाद में अपन आते हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग से आप खुद रूबरू हैं, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मेरा यह मानना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में तो आप जानते ही हैं वही सारा IAS का एज इट इज़ कॉपी है, IAS का सारा सिलेबस कॉपी कर रखा है। आपको करना क्या होगा, IAS की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मेंस में पूछे जाते हैं उसकी बुक्स कोई सी भी कोचिंग के लिए आइए, SSC JEE की मेंस की बुक, इन दोनों बुक को सारे क्वेश्चन को आप वन बाय वन सारे सॉल्व आउट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सारे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सा टॉपिक आपका छोड़ दिया हो, सारे टॉपिक्स को इसमें कंसीडर करा गया है, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, SSC या फिर जिन्होंने सिर्फ RPSC AN के प्री की तैयारी करी थी अभी तक, उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी हार्ड वर्किंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला टाइम रहने वाला है मेंस का, क्योंकि उनको ना तो टॉस अच्छे से पढ़ाया जाता है, देख लीजिए टॉस का बहुत बड़ा सिलेबस है जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा अभी तक जिन्होंने JEE की या फिर RPSC AE के प्री की तैयारी करी है उन्होंने। उसके बाद में स्ट्रक्चर डिज़ाइन लोड यानी कि RCC के बारे में आ जाता है, उसके बाद में स्टील स्ट्रक्चर्स आ जाता है जो कि आपका पहला पेपर था, ये पहला पेपर जो था आपका ये 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का। नेक्स्ट सेकंड पेपर में भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स आएंगे जो कि 2 आवर्स के होंगे, 200 मार्क्स के, इसमें आपके फ्लूड मैकेनिक्स आ जाएंगे सारे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपका छोड़ के जाना है आपको, सर्वेइंग पूरा आ जाता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपके बिल्डिंग मटेरियल, रोड मटेरियल, कंस्ट्रक्शन स्टोन, मैसनरीज और बहुत सारा, बहुत बड़ा अपने पास में सिलेबस है, आपको पूरे 3 महीने कंज्यूम हो जाएंगे, 5 महीने आपके कैसे निकल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। हाइड्रोजन वाटर रिसोर्स इरीगेशन यानी इरीगेशन एंड आपकी हाइड्रोलॉजी इसमें आ जाती है पूरी की पूरी, बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसमें वन बाय वन पूरा डिटेल में आपके डिटेल में एकदम पूरे सिलेबस को आपको बताया गया है, तो ये आपको लगता है कि जितना बड़ा सिलेबस है उतना ही अपने लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा उन्होंने सिलेबस दिया है यानी कि उन्होंने टॉपिक को स्पेसिफाई कर रखा है। आप देख सकते हैं जैसे मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग को उठाऊंगा तो इसमें ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक एक छोटा सा टॉपिक है, रोड यूज़र करेक्टरिस्टिक एक छोटा सा टॉपिक है, व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक यानी कि लेंथ व्हीकल की कितनी होगी, ओके विड्थ कितनी होगी 2.5 मीटर, हाइट कितनी होगी 3.8 मीटर, ओके फॉर सिंगल डैक थ्री फोर, ओके इस तरीके से, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है, वॉल्यूम स्पीड एंड डिले स्टडी, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको इन्होंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है सिलेबस के अंदर कि आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं, तो आपको सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ के जाना है, ये अगेन मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग यानी कि इन्वायरमेंट जो कि आपने पढ़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये अपना आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसको भी वीडियो पसंद आता है वो लाइक करिए, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट में बता दीजिएगा, उससे मैं क्या होगा नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसके अंदर आपके डाउट को कंसीडर कर लूँगा, ताकि आपके आने वाली वीडियो के अंदर आपको उसके थ्रू जानकारी मिल सके। ओके, और जिसको भी वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब जिन्होंने तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, ताकि जो धंधा बना रखा है कोचिंग वालों ने वो बंद हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड।